लाहौरी डेंगू फीवर भूलकर क्रिकेट फीवर में मुब्तला, जिंदा दिलाने शहर 10 साल बाद। मेहमान टीम को इन एक्शन देखने को बेताब, कई घंटे पहले ही शायकीन की कजाफी स्टेडियम आमद का सिलसिला शुरू। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, गैर मुल्की टीमों की आमद अच्छा शगुन करार दे दी। कहते हैं आलमी क्रिकेट बहाल होने से मुल्की मईशत भी बेहतर होगी। टी20 सीरीज के लिए मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद, मुख्तलिफ पार्किंग स्टैंड से 60 से ज्यादा बसें शायकीन को स्टेडियम पहुंचाने पर मुकर्रर। दाखिले के लिए 3 मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी, बगैर शनाख्ती कार्ड शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। और शायकीन के लिए 9 मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग स्टैंड कायम, शहरी लिबर्टी, एफसी कॉलेज, जहूरी लाही रोड, पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल ग्राउंड समेत दीगर मकामात पर गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। लाहौरी डेंगू फीवर भूलकर क्रिकेट फीवर में मुब्तला, जिंदा दिलाने शहर 10 साल बाद। मेहमान टीम को इन एक्शन देखने को बेताब, कई घंटे पहले ही शायकीन की कजाफी स्टेडियम आमद का सिलसिला शुरू। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, गैर मुल्की टीमों की आमद अच्छा शगुन करार दे दी। कहते हैं आलमी क्रिकेट बहाल होने से मुल्की मईशत भी बेहतर होगी। टी20 सीरीज के लिए मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद, मुख्तलिफ पार्किंग स्टैंड से 60 से ज्यादा बसें शायकीन को स्टेडियम पहुंचाने पर मुकर्रर। दाखिले के लिए 3 मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी, बगैर शनाख्ती कार्ड शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। और शायकीन के लिए 9 मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग स्टैंड कायम, शहरी लिबर्टी, एफसी कॉलेज, जहूरी लाही रोड, पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल ग्राउंड समेत दीगर मकामात पर गाड़ियां पार्क कर सकेंगे।